हेलो गाइस, मैं हूँ अमर और आप देख रहे हो DM अमर YT गेमिंग चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर और पबजी नेपाल में बैन हो रहा है इसके बारे में। तो आज मैं सुबह ही, कम से कम 2 दिन पहले ही सुबह जब उठा मैंने, तो फेसबुक थोड़ा खोला तो उस फेसबुक पेज में एक आंटी बोल रही थी फ्री फायर और पबजी नेपाल में बैन कर देना चाहिए 4 महीने के लिए। तो आपको वो वीडियो में दिखाना चाहता हूँ वो क्या बोल रही है और क्या कहना चाह रही है पबजी और फ्री फायर के बैंड के बारे में। तो आपको ये छोटा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, और आप नेपाल से होंगे तो आप समझ जाओगे, और इंडिया से हो तो मैं बता दूंगा क्या बोल रहे हैं वो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ यो खुसी हो, तर पब्जी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने झस्कने जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला। पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलको खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्ने मार्फत हमारे पूजनीय आंटी का कहना का मतलब है, जो लॉकडाउन हुआ नेपाल में उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, गेम इंटरनेट में लगे, तो भाई घर में बैठे बैठे क्या करेंगे बताओ। थोड़ा तो कुछ इंटरटेनिंग दिन भर किताब में और बुक में तो नहीं रह सकते ना, थोड़ा तो वो बनता है ना भाई, गेम तेम खेल सकते हैं, थोड़ा मोड़ा खेल सकते हैं इतने लॉकडाउन में, तो इसमें बुरा नहीं है। और ये आंटी बोल रहे हैं जो हमारा फ्री फायर बैन होना चाहिए, इससे बहुत बच्चे बिगड़ रहे, तो आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो आप उसको फ़ोन ही ना दो, क्योंकि अगर फ्री फायर से बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप उसको फ़ोन ना दो। और ये बता देने जा रहा हूँ मैं कि फ्री फायर से बच्चे बिगड़ रहे हैं और पबजी से, तो अरे ये इंटरनेट ही बंद कर दो ना, इंटरनेट से भी तो बच्चे बिगड़ते हैं, इंटरनेट नहीं रहेगा तो गेम भी नहीं खेल पाएंगे। और एक बात, और ये फेसबुक बंद कर दो, टिकटॉक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, सभी बंद कर दो, मैं तो बोलता हूँ नेपाल में सभी चीज़ बंद ही कर दो, बैंड ही कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बिगड़ता है। टिकटॉक पे भी अभी देखो भाई कैसे कैसे वीडियो निकलते हैं जो देखने लायक नहीं होते, मतलब शॉर्टकट फॉर्म वीडियो बनाते हैं यार टिकटॉक पे, तो मैं तो बोलता हूँ वो भी बंद कर दो। अरे मैं तो बोलता हूँ ना, नेपाल में पूरा जितना है ना, जितना इंटरनेट यूज होता है हर एक चीज़ में, सभी बंद कर दो, क्योंकि उससे भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है, रेडियंस होते हैं, मोबाइल भी यूज़ मत करो, ठीक है, कॉल भी करते हैं ना तो उससे भी रेडियंस बहुत होते हैं, इससे भी पक्षी बहुत मरते हैं, तो मैं बोलता हूँ वो भी बंद कर दो। और इतना ही नहीं तो ये एक बात और करो, जो कार होते हैं वो भी बहुत पोल्यूशन करते हैं हमारे देश को, तो वो भी बंद कर दो, सभी चीज़ बंद कर दो, ठीक है, कुछ रहने ही दो। इन आंटी का कहना है जो फ्री फायर और पबजी से बच्चे बहुत गुस्सेले हो जाते हैं, बहुत मतलब पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, ये करते वो करते, तो भाई आपका बच्चा ऐसा करता है तो आप उसको संभालो, उसको फ़ोन ही ना दो, सबसे बेटर फ़ोन उसको मत दो, इससे अच्छा मतलब। और बोल रहे हैं अदालत खटखटाएंगे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप देख ही सकते हो, जैसे टू बी गेमर, सुनीता टोंडे, अभिषेक YT, विश्व मगर, अरे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको देख सकते हो आप, वो लोग पैसे कमा रहे, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपना इसी गेम से अपना परिवार चलाते हैं। इस आंटी को कुछ समझ नहीं है, वैसे ही बोले जा रही है, ठीक है, तो माइंड मत करना, देखते हैं क्या होता है। फ्री फायर और पबजी तो बैन नहीं होगा, इस आंटी तो बात छेड़ दिया है, टिकटॉक पे अभी बहुत वायरल हो गई है। So smash that like, no. Like मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। Maybach music. Can anybody out there, yeah.